मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एक नई किताबों की खरीद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के लिए यह किताबें खरीदी जाएंगी जो लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, लेकिन इसका पाठ्यक्रम में शामिल होना नहीं है। विवाद की मुख्य वजह यह है कि इन किताबों में से कुछ को आरएसएस के नेताओं द्वारा लिखा गया है। आरएसएस से जुड़े सुरेश सोनी, अतुल कोठारी और अन्य प्रमुख लेखकों की किताबें भी इस सूची में शामिल है। इन किताबों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को आरएसएस का नाम सुनकर हमेशा परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वामपंथी इतिहासकारों के साथ मिलकर शिक्षा को अपने हिसाब से ढाला, लेकिन अब हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए भारतीय परंपरा की शिक्षा दे रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला ने सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने का निर्देश दिया है। इन पुस्तकों में प्रमुख आरएसएस नेताओं जैसे सुरेश सोनी, दीनानाथ बात्रा, डी अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप बाल्स लेकर की किताबें शामिल है। ये सभी लेखक विद्या भारती से जुड़े हुए हैं जो आरएसएस की शैक्षिक शाखा है। विभाग ने कॉलेजों से इन किताबों की खरीद के निर्देश को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। सूची में दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखी 14 किताबें विशेष रूप से विवाद का केंद्र बनी हुई है। बत्रा पहले भी 11वीं कक्षा की हिंदी को किताब से क्रांतिकारी पंजाब कवि पाश की कविता को हटाने की मांग को लेकर चर्चा में रहे थे।